चलो मम्मी मेरी पहली सैलरी। कैसे लगा आपको, अच्छा लग रहा है? वंदना जी ये देखिए हमारी पहली सैलरी आ गई। देखिए दूसरे के पैसे पर सैलरी कब जाकर सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी, अच्छे हो? मैं भी हूँ बढ़िया। तो चलो शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं घास के लिए, मैं मम्मी और वंदना, वो लोग आगे चल रहे हैं और हमें जाना है बहुत दूर, जैसे कि हर बार जाते हैं जहाँ पे वहीं पे जाना है। तो आज अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और जबकि हमें 7 बजे के लिए ऊपर पहुँच जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ पे बहुत धूप लगती है। तो धूप तो लग गई होगी क्योंकि चढ़ाई भी है तो बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो घास नहीं काटे जाता इसलिए छाँव तो घास थोड़ा काट लेंगे। अगर धूप लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा घास काटना। तो दाड़ू भी लगे हैं हमारे यहाँ पे, आपके भी होते हैं क्या दाड़ू? फूल लकड़ी भी लगी है, आपको भी होती है क्या फूल लकड़ी? तो अभी मम्मी गांव की बुआ से बात कर रहे हैं। तो अभी मम्मी जा रहे हैं टिम्बर निकालने के लिए दांतों के लिए, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छी होती है दांतों के लिए, इससे कीड़ा नहीं लगता दांतों। तो मम्मी कहाँ कहाँ जा रही है टिम्बर के लिए क्योंकि यहाँ पे कांटे पे नीचे। ये देखिए इसमें कांटे कांटे होते, बहुत ज़्यादा खतरनाक कांटे होते, तभी तो बोलते हैं कि टिम्बरिया घसा लगना है। जब कहते हैं कि जितनी बड़ी दांतुन होते हैं ना कि लोगों की उम्र उतनी बढ़ती है, तो मैं तो हमेशा इतनी सी से करती थी दांतुन जब मैं। तो अभी हम लोगों को ऊपर जाना है और 8 बज गए हैं, बहुत दूर है यार, बहुत दूर। 8:20 हो चुके हैं और हम लोग अब पहुँचे हैं इधर, तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर घास काटेंगे। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अभी देखना मनीष कितनी फास्ट घास काटता है, वंदना का भी हो ही गया घास, मेरा भी हो ही गया, बस मुझे बांधना है घास। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक मंदिर है ना, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे अभी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो घास वगैरह लगाने के बाद होगा। तो अभी हम लोग लगा रहे हैं घास, उसके बाद हम जाएंगे मंदिर, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं मंदिर जाने के लिए। वंदना इनको मिला मशरूम। अच्छा ये देखिए ये कुछ अलग ही है, खाते हो इसको? भारी है। ओए ब्लडी मैरी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए प्लीज। तो ये देखो मंदिर उधर है और यहाँ पे इतनी अच्छी जगह है ना, थोड़ी ऊपर जाके बताऊंगी, बहुत ही अच्छी जगह है। आज गोबर मत फेंक बहन, मत फेंक यार। तो अभी हम लोग बस जाने वाले मंदिर, तो यहाँ पे इतनी अच्छी जगह है ना, आओगे ना मज़ा आ जाएगा सच में, बहुत ही अच्छी जगह। और मैं चेपू सी लग रही हूँ, नहीं चंपू, मैंने गुत्ते बनाई ना, तेल लगाया था तो बालों में, तो मैं चंपू लग रही हूँ। वो लोग चले गए, वहाँ पे भी नीचे लोग आए हैं घास के लिए। और ये देखो हमारे दो चेप, तूने हुड क्यों पहना हुआ अभी इतनी गर्मी में? हाँ तुम्हारी मर्जी, क्या रेड रेड हो गया इधर, ठंड लग रही है मेरे को। वाओ ठंड लग रही है तुमको, चलो मंदिर जाके आते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे मंदिर क्योंकि वहाँ पे लोग हैं, तो हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे, यहाँ से ही देखते हैं। कितना
घुमा सही डंड 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 निन तू भी शेयर कर मतलब तू लोर पर घूम ले हेलीकॉप्टर तो मेरी बाजू ही पकड़ दो हेलीकॉप्टर क्या बनना शक्ति 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 मान देख देख नीचे आए इसको खाते हैं हम लोग तो खाते थे ये देखो 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 पौधी ए देख तोड़ पहुंचना मम्मी का है हम लोग इनको खाते थे पहले पहले क्या हम लोग खाते तो अब भी है ना बट मिलते नहीं अब कहीं बहुत खट्टे खट्टे से होते खट्टे खट्टे बड़ी अच्छी वीडियो बनाई आपने उड़ाया तूने इसको तो ये हो रही थी मेरी और मम्मी की लड़ाई वो मैं सुना नहीं सकती हूँ आप लोगों को। मम्मी कह रही थी कि लोग देखेंगे तुम्हारा घास तो क्या बोला कि भाई इतना इतना ले जा रहे हो। तो मैंने बोला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को नहीं ले तो हमने जाना यार रोज़ घास को जाना तो इतना इतना काफ़ी होता है। अगर तो एक बार लाना होता तब तो ठीक है ले आते भारी भारी पर इतना हमारे लिए काफ़ी क्योंकि हरा था घास तो बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। यहाँ पे देखो हीर लग गए हैं आप लोग इसको पता नहीं क्या बोलते हो हमारी भाषा में तो हीर बोलते हैं। अब हम खाएंगे थोड़े थोड़े और बेचारी वंदना है उधर रुकी हुई। तो ये देखो यहाँ से कैसा रास्ता है बैठ बैठ के उतरना पड़ रहा है और कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊँ। बहुत ही डेंजर पर अगर नीचे फिसले ना तो सीधे नीचे पहुँचते। दोस्तों वंदना के साथ मम्मी ने खिला रही है क्योंकि मम्मी और इसकी लड़ाई थी हुई तो वंदना का गाड का जो है अब हो गया वे मम्मी ने टेढ़ा लगा। बिल्लू सोए हुए अभी कितने बड़े बड़े हो गए हैं अभी बिल्ली भी कमजोर होगी बेचारी। इसको देखो मुंह खुल रही है उसका तो सोए हुए बेचारे छोटे छोटे हाथ और तो दोस्तों आज का व्लॉग जो इतना ही आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय।